फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए लेडीज क्लब चैनल को और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रीदेवी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल लेडीज क्लब। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हम सब लोग नए नए क्रिएशन सीखते रहे। आजकल लेडीज क्लब आपके लिए बहुत सारे क्रिएशंस और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ रहा है, तो आपको इसका एक भी वीडियो अगर मिस नहीं करना है तो सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आज आपके लिए ऐसा ही बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी वे में आपका सारी कुछ जल्दी से जल्दी बन जाए और बहुत ही अट्रैक्टिव दिखे, इसलिए मैं आज के वीडियो में आपके लिए एक टिप्स लेके आई हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे नॉटिंग कैसे करते हैं। पहले रेगुलरली हम जैसे हर नॉट कुछ डिजाइन्स के लिए थ्रेड लेते हैं, वैसे यहाँ पे मैं 9 स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड ले रही हूँ। इसको रेगुलर वे में कट करके अभी मैं स्मॉल एंड नीडल में इंसर्ट करूंगी। अगर आपको कोई थ्रेड्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में डाउट्स है तो मैंने उस पर एक अलग वीडियो बनाया है स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ थ्रेड्स करके, आप वहां पे आई बटन में मैंने उसका लिंक भी दिया है, आप वहां पे जाके उसको चेक कर सकते हो। तो सिंपली जैसे हर डिजाइन के लिए हम लोग पल्लू में नीडल को इंसर्ट करते हैं वैसे हमें इंसर्ट करना है और बाद में ये जो दोनों एंड है उसको अच्छे से एक करके, एंड में यहाँ पे एक करके हमारा जो थंब है उसको ऐसे रख के ये जो नीचे का पार्ट है उसको ऊपर लेना है, फिर हमारी इस उंगली को ऐसे पकड़ के ये जो एंड का पार्ट है उसको यहाँ से बीच में से खींचना है और सिंपली एक टाई नॉट करनी है, टाई अच्छे से टाइट नॉट करनी है और एकदम पल्लू को अटैच नॉट टाई करनी है। यहाँ पे कोई भी गैप नहीं छोड़ना है। अगर डिजाइन की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे गैप छोड़ना है तो ही सिर्फ आपको गैप छोड़ना है, अदरवाइज यू डोंट नीड टू टेक गैप देयर। तो ये हो गया हमारा नॉट जो हम हाथ से बांधते हैं। अगर ये नॉटिंग आप अच्छे से नहीं करोगे तो आपका नीचे का जो भी साड़ी कुच्चू का डिजाइन है वो बहुत ही खराब होगा और आपकी साड़ी कुच्चू बहुत ही खराब दिखेगी। बेसिक हमारी है नॉटिंग, इस पर हमारा पूरा डिजाइन बेस्ट रहता है। सो ट्राई कीजिएगा कि आपकी जो नॉटिंग है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए। तो अभी मैं दूसरा वे आपको दिखाऊंगी जो नीडल के साथ करते हैं। अगर आपको हाथ से नहीं आ रहा है तो आप नीडल का वे भी ट्राई कर सकते हो। सेम पहले हमें जैसे इसमें मैंने 9 स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड लिए वैसे ही आपको सेम वे में 9 स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड लेने हैं। उसको सेम वे में कट करके स्मॉल एंड नीडल में इंसर्ट करना है और जैसे पल्लू में हम लोग इंसर्ट करते हैं थ्रेड को वैसे ही इंसर्ट करना है। अगर आपको स्मॉल आई नीडल बिग आई नीडल के बारे में कोई भी डाउट है और नीडल में थ्रेड कैसे इंसर्ट करें इसके भी बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप, मैंने उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वहां पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो। अभी मैं सिंपली नीडल को सारी पल्लू में इंसर्ट कर रही हूँ। सेम वे आपको पहले दोनों एंड मिलाना है और इसको ऐसे पकड़ के सेम जैसे हम लोगों ने पहले भी नॉटिंग किया वैसे नॉटिंग करना है, लेकिन यहाँ पे आप लोग नीडल को पकड़ सकते हो और नीडल को ऐसे पकड़ के भी नॉटिंग कर सकते हो तो आपकी नॉटिंग भी बहुत अच्छी होगी और बाद में आपको इस नीडल को निकालना है। तो ये देखिए, तो ये मैंने पूरा हाथ से किया और यहाँ पे मैंने नीडल यूज किया। जो आपको मेथड कन्वीनियंट लगे उस मेथड से आप लोग नॉटिंग कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि इस पर हमारा पूरा डिजाइन बेस रहता है। आपकी नॉटिंग जितनी अच्छी होगी उतना आपका सारी कुछ अट्रैक्टिव दिखेगा। अभी मैं दिखाऊंगी कि जारी थ्रेड का नॉटिंग कैसे रहता है।
तो इसके लिए मैं बेबी कुचू को 70 स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड लेती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे 7070 स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड लूंगी। अभी मैं इसको नॉर्मली जैसे कट करना है वैसे कट करूंगी और इसको अभी बिगर नीडल में इंसर्ट करूंगी, क्योंकि ये स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड बहुत ज़्यादा है, इस स्मॉल एंड नीडल में इंसर्ट नहीं होंगे। तो बिग एंड नीडल, स्मॉल एंड नीडल की हर इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आई बटन में मैंने उसका लिंक भी दिया है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो और इसकी पूरी डिटेल्स जान सकते हो। अभी मैं नीडल को सेंटर में लूंगी तो मेरे जो स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड है वो A70 और A70 मिला के टोटल 140 हो गए। अभी मैं इसको पल्लू में इंसर्ट करूंगी। धीरे धीरे से करिएगा, अगर बहुत खिंचाई करेंगे तो आपकी सारी पल्लू खराब हो सकती है। तो अभी आपका जो स्टैंडर्ड लेंथ है वैसे आप पकड़ के जारी थ्रेड से अभी नॉटिंग करेंगे। नॉटिंग करने से पहले जो थ्रेड रहता है उसको अच्छे से देखिएगा कि कहीं पे ये डैमेज या कोई नॉट्स वगैरह नहीं है। तो अभी मैं जारी थ्रेड का क्या करूंगी, आपको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड ऐसा एक लेंथ आपको डिसाइड करना है और उस हिसाब से पहले आपको थोड़ा सा थ्रेड कट कर लेना है। तो मैंने अभी इतना कट कर लिया है थ्रेड। अभी आपको क्या करना है, पहला मेथड में हाथ से दिखाऊंगी, उसके बाद में नीडल का मेथड दिखाऊंगी। तो आपको पहले क्या करना है, थोड़ा सा थ्रेड छोड़ना है ऐसे, देखिए मैंने छोड़ दिया अभी, और यहाँ से उसको राउंड 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 सर्कल वे में हमको रोल करना है। ओके, ये जो छोड़ा हुआ है वो आपके एक उंगली से पकड़िएगा, उसको छोड़िएगा मत, नहीं तो आपको नहीं होगा, ये नॉटिंग करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने यहाँ पे नीचे उसको पकड़ के रखा है और जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है उसको मैं सर्कल वे में रोल रोल करूंगी। लेकिन रोल करते समय कैसे भी चाहिए वैसे रोल नहीं करना है, बहुत ही नीट वे में लाइन एक के नीचे एक लाइन बाय लाइन नीटली उसको रोल करना है। देखिए मेरी लाइनिंग कितनी सुंदर और अच्छी दिख रही है। इससे क्या होगा कि आपकी जो जारी थ्रेड की नॉटिंग है वो बहुत ही नीट दिखेगी और प्रेजेंटेशन आपका सारी कुच्चू का बहुत ही अच्छा होगा। इसे आपके जो कस्टमर्स है या आप अपने खुद के साड़ी पर डाल रहे हो तो आपकी साड़ी बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगी। अगर बिजनेस कर रहे हो तो कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे और आपका बिजनेस बढ़ने में बहुत ही हेल्प हो जाएगा। तो ये भी बिजनेस ग्रो करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप हर स्टेप बहुत अच्छे से करिएगा। हो गया, अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेरा, अब चाहिए तो आप नीचे तक भी कर सकते हो, कुछ किसी कस्टमर्स को अच्छा लगता है बहुत ऐसे जारी थ्रेड का नीचे तक रोल ओवर करना, तो अगर आपको चाहे तो आप कर सकते हो, वो भी डिजाइन बहुत सुंदर दिखते हैं। लेकिन मैं अभी यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पे रुक जा रही हूँ। मैंने 5 to 6 लाइंस यहाँ पे एक के नीचे एक रोल किया है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा जारी थ्रेड रह गया और पहले जो हमने छोड़ा था ये यहाँ पे है, ये दोनों को मिला के हम एक सिंपली नॉट टाई करेंगे। अभी एक टिप है, बहुत इम्पोर्टेंट टिप, ये जो मैं कर रही हूँ, अभी मैंने साड़ी पल्लू फ्रंट साड़ी पल्लू मैंने उल्टा रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने साड़ी पल्लू मेरा उल्टा रखा है, ये मेरा साड़ी पल्लू का फ्रंट साइड है। तो मैंने जानबूझ के ये उल्टा रखा है क्योंकि ये जो मेरी अभी नॉटिंग कर रही हूँ ये साड़ी पल्लू के बैक साइड आ जाएगी, ताकि आपके जो फ्रंट साइड है यहाँ पे कोई भी नॉटिंग नहीं दिखेगी और आपका जो साड़ी पल्लू का बेबी कुच्चू है वो बहुत ही फाइन दिखेगा, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा। ये जो नॉटिंग पार्ट है ये पीछे चला जाएगा। तो आप भी याद रखिएगा, जब भी आप नॉटिंग करते हो तो पल्लू को उल्टा रखिएगा, ताकि आपकी नॉटिंग साइड पीछे वाली साइड में चली जाएगी और आगे वाली जो साइड है वो बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव दिखेगी। तो यहाँ पे मैं जनरली 3 times नॉटिंग करती हूँ, फिक्स रह जाए, इसलिए अगर आप चाहे तो 2 times या 4 times भी कर सकते हो। तो ये जो एक्स्ट्रा जारी थ्रेड रह चुका है मैं उसको अभी कट कर रही हूँ। और बाद में आपको क्या करना है,
तो कई बार क्या हो जाता है कि आफ्टर सम डेज या आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ये थोड़ा सा नॉटिंग निकालने का चांसेस रहते हैं, निकल जाने के चांसेस रहते हैं, तो हम लोग उसको भी अवॉइड करने के लिए ये जो फैब्रिक ग्लू जो हर क्राफ्ट शॉप में मिलता है उसको क्या करना है, उस नॉटिंग पे थोड़ा सा एक ही पॉइंट हमें लगा देना है ऐसे। ये थोड़े टाइम के बाद, थोड़े से टाइम मतलब बहुत टाइम नहीं, एक 5 मिनट के बाद वो सूख जाता है और आपकी नॉटिंग जो है वो एकदम फिक्स बैठ जाती है, कभी निकल जाती नहीं। तो उसके बाद में मैं इसकी ट्रिमिंग करूँगी। ट्रिमिंग करते समय बहुत ही अच्छे से लेवल में करिएगा। मैंने जैसे बोला कि हर स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है सारे कुछ अट्रैक्टिव देखने के लिए, नीचे का ट्रिमिंग करते हैं तो आपका हर धागा अच्छे से लेवल में ही आना चाहिए। ये हो गया, हाथ से हम लोग इसको नॉटिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि नीडल से जारी थ्रेड का नॉटिंग कैसे करते हैं। तो पहले मैं इस बेबी कुचू को इंसर्ट कर लेती हूँ। जैसे हमने पहले भी मैंने दिखाया 70 स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड लिए, उसको बीका नीडल में डाला, तो अभी मैं डायरेक्टली इस स्टेप पे आ जाती हूँ। सारी पल्लू में मैं अभी उसको इंसर्ट कर रही हूँ। ओके, तो अभी क्या करना है हमें, ये जो बहुत ही स्मॉल आई निडल वाली भी एक निडल क्राफ्ट शॉप में या अगर आप कोई स्टेशनरी शॉप है तो वहाँ पे मिल जाती है। आप देख सकते हो इसकी आई कितनी छोटी है। तो क्या करना है, सारी थ्रेड को इसमें इंसर्ट करना है। तो अभी मैं थोड़ा सा कट कर ले रही हूँ। तो इसको क्या करना है, पहले इस नीडल में झारी थ्रेड को इंसर्ट करना है। किया, अभी नीडल को मैं बीच में लूंगी, सेंटर में लूंगी। तो अभी सिंपली हमें क्या करना है, मैंने एंड वैसे ही छोड़ दिए हैं, तो इसको पकड़ के यहाँ में से पीछे वाला जो साइड है यहाँ, या आगे वाले साइड में भी आप उसको इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं पीछे से कर रही हूँ। पीछे से ऐसे सेंटर में नीडल को इंसर्ट करना है और आगे ऐसे लेके जो एंड है उसको वैसे ही छोड़ना है यहाँ पे, और एंड को भी धागे के साथ ऐसे पकड़ना है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद जैसे हमने हाथ से रोल ओवर किया वैसे ये निडल वाली थ्रेड जो है उसको रोल ओवर करना है। रोल ओवर करते समय मैंने पहले भी जैसे बोला, अच्छे से लाइन बाय लाइन करिएगा, अच्छा दिखना चाहिए एकदम। एक के नीचे एक लाइन लीजिएगा, कैसे भी एक के ऊपर एक के लेके कैसे तो मत करिएगा, उससे आपकी सारी कुछ बहुत खराब दिखेगी। ओके, अभी ये मैंने एक कुछ बेसिक 5 to 6 times मैंने रोल ओवर कर लिए। अभी क्या करना है, सिंपली हमें इसके अंदर नीडल को इंसर्ट करना है और यहाँ पे सिंपल वे में जो टाई नॉटिंग करते हैं नीडल वैसे इंसर्ट करना है। तो ये हो गया उसका नॉट। तो आप चाहे तो 2 times भी कर सकते हैं, वैसे 1 time इसके लिए काफ़ी है, लेकिन अगर आपको नहीं लग रहा कि ये थोड़ा रिस्की है 1 time करना तो आप 2 times भी कर सकते हैं। देखिए, ओके, ये हो गया नॉटिंग। और अभी जो एक्स्ट्रा हमारा झारी थ्रेड रह गया है उसको अभी मैं कट कर रही हूँ, तो इसको भी अच्छे से मैं अभी ट्रिम करूँगी। आप अभी हमने जो यहाँ पे छोड़ा था ये डिज़ाइन ऐसे ही सुंदर भी दिखता है। आपने जो लिया था वो जारी थ्रेड चाहे तो वैसे भी छोड़ सकते हो। मैं जनरली वैसे भी छोड़ देती हूँ क्योंकि ये भी एक अच्छा लगता है, बीच में थोड़ा सा जारी का मिक्सचर लगता है। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उस जारी थ्रेड को कट भी कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वो। तो आप चाहे तो इस जारी थ्रेड को निकाल के थोड़ा सा कट भी कर सकते हो, लेकिन छोड़ेंगे तो डिज़ाइन आपकी बहुत सुंदर दिखेगी। तो आपका फ्रंट साइड ऐसे दिखेगा। मैंने नॉटिंग के वजह से पल्लू को उल्टा रखा था, लेकिन आपका फ्रंट साइड ऐसे दिखेगा, नॉटिंग पीछे चली जाएगी। और इसमें कोई ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉटिंग से वो निडल से नॉट करने की वजह से वैसे तो फिक्स हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको अगर लगाना है तो यहाँ पे भी आप नॉट के ऊपर फैब्रिक ग्लू लगा सकते हो। तो ये हो गए नॉटिंग टिप्स।
अगर आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगे वो मेथड आप यूज करिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उनको सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नए क्रिएशंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।